वेलकम बैक न्यू अनदर वीडियो। जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि आप लोगों ने अगर हाइक ऐप अगर इस्तेमाल करते, क्योंकि मैं हाइक ऐप इस्तेमाल कर रहा था, तो अभी क्या चल रहा है, हाइक ऐप फिलहाल हाइक ऐप कंपनी ने खुद गूगल प्ले स्टोर से ऐप स्टोर से दोनों से ही हटा दिया है हाइक ऐप को। तो क्यों किया, क्यों मतलब जैसे कि अगर सोचो कि हाइक ऐप जैसे कि SMS सेंडिंग पे जैसे कि बहुत बड़े प्लेटफॉर्म लेकर आया था, यानी हाइक ऐप का आपको ऐसा फीचर्स भी देखने को मिले था। अब हर बात को स्टिकर प्रोसेस में आप लोग किसी को सेंड कर सकते हैं इसमें, यानी उसमें चैटिंग करने के लिए बहुत मज़ेदार सिस्टम भी था, राइट। और उसमें अभी फिलहाल जो अपडेट आया था कि आप कुछ पोस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक जैसे आप कुछ पोस्ट करते हैं ना, तुम्हारा फ्रेंड ही देख सकता था, वैसा ही था। आपका ID के हिसाब से आपको कोई फॉलोअर भी करे तो आपका बात कर सकता था, आपको बहुत कुछ फॉलोअर भी बढ़ सकता था, बढ़ता था उसमें। उसके बाद क्या हुआ कि अभी उनका जो यूज़र है ना, यूज़र बहुत घटता गया। जैसे कि 2012 में आया था, 2021 तक रहा, मतलब कम करीब 9 महीना करीब वैसा उनका बिजनेस बहुत नुकसान पे चला, क्योंकि बहुत कुछ बीच में ऐसे भी आया था कि अपना दोस्त को इनवाइट करो, अर्न करो, तो उस टाइम में बहुत अच्छा खासा आपको दोस्त अर्निंग कर रहा था, हम लोग भी खुद उसमें इन्वॉल्व थे, तो दोस्त लोग बार बार इनवाइट भेज रहे थे सबको बार बार, मतलब मेरा मैं एक्चुअली इनवाइट करके मैं अर्निंग कर रहा था, मेरे पास ही 10-12-15 बार रोजाना रोज आता था उस टाइम, एक हफ्ता तक ऐसा कंटिन्यू चल रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ, वो स्टिकर सेंडिंग हाइक जो हाइक था ना, हाइक को ऐसे मानते थे कि स्टिकर पे बात करना, मतलब हर चीज़ स्टिकर थ्रू बात करना चिटाई इस तरह चलता था। अभी क्या हुआ था कि तुम्हारा टीम बनाकर कोई भी मूवी अगर लाइव चला, लाइव हम लोग वॉच कर सकते थे मूवी, यूट्यूब वगैरह बहुत कुछ उसमें देखने को भी न्यू फीचर्स आया था, फिर भी हाइक ऐप को यूज़ नहीं किया गया। क्यों, ये बताने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये ऐप एक्चुअली मेड इन इंडिया था, ठीक है। तो मेड इन इंडिया ऐप को हम लोग खुद ही बैन कर दी, अगर हम लोग इंडिया वाले ही इस ऐप को इस्तेमाल करते तो रोज आज के ये इस ऐप बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे होता। इतना सब कुछ देने के बाद भी हम लोग खुद का यूट्यूब खुद का प्लेटफॉर्म हाइक ऐप मैसेंजर को छोड़कर दूसरे स्टेट का ऐप अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं, उस ऐप को लेकर अब झगड़ रहे हैं कि व्हाट्सअप अच्छा या सिग्नल अच्छा। खुद का ऐप बैन तो हो गया लेकिन दूसरे ऐप को लेकर अभी तक प्रमोट करते जा रहे हैं, नहीं व्हाट्सअप अच्छा, कोई बता रहा नहीं सिग्नल अच्छा है, भाई अच्छा है लेकिन जिसमें यूज़र ज़्यादा एक्टिव है हाँ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग तो हाइक भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। चाइना पे क्या है, चाइना तो अपना ऐप ही ज़्यादातर यूज़ इस्तेमाल करता है ना, तो हम लोग अपना तो ऐप को बैन कर मतलब हटा देते हैं, बैन नहीं होने वाला, उसको इतना नुकसान पहुँचाते हैं कि अगर वो उस ऐप को कंपनी भी बैन बंद कर दे, यानी उस ऐप को ही हटा दे कंपनी, तो अभी गूगल प्ले स्टोर ऐप स्टोर से दोनों ऐप स्टोर से ही हट गया। जहाँ पे सबसे बड़े प्लेटफॉर्म जो गूगल प्ले स्टोर ऐप स्टोर होता था, उस दोनों प्लेटफॉर्म से हाइक ऐप आपको मिलेगा ही नहीं। हाँ अगर आप Xiaomi ऐप से कोई भी इस्तेमाल करते हो आपको हाइक नहीं मिल सकता है ना, नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी उसको हटाती है ना, नहीं मिलेगा। अगर बैन वगैरह होता तो आपको मिल जाता, लेकिन कंपनी हटा दिया तो मतलब आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो ऐसा ऐसा अभी एप्लीकेशन चला, तो कौन बनाएगा इतना अच्छा अच्छा एप्लीकेशन अगर हम लोग खुद का एप्लीकेशन इस्तेमाल ना करें, किसी और का एप्लीकेशन प्रमोट करें। हाइक तो मैं खुद इस्तेमाल करता, हाइक में मेरा दो अकाउंट है उसमें, मैं बहुत कुछ पोस्ट करता था उसमें, कि बहुत कुछ टेक्स्ट वगैरह पोस्ट करता था, मैं बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट उसमें करता था, बहुत अच्छा एप्लीकेशन था। अभी भी मेरा अकाउंट उसमें एक्टिव है, लेकिन अभी जो हट गया तो मेरे को अनइंस्टॉल करना पड़ा, क्योंकि उसमें तो चलेगा नहीं किसी को। हाँ एक बात और एक बात बता दूँ, मेरा कोई भी एक हाइक पर एक फ्रेंड भी नहीं था, लेकिन मैं खुद भी मैं हाइक ऐप को खुलकर रोजाना कुछ चेक करता, कुछ न्यू अपडेट आएगा होता उसमें 10 लोग बुलाएंगे कुछ ऐसा कुछ, उसमें रोजाना मैं एक्सपेरिमेंट चेक करता था। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्त का शेयर कर देना। आप लोग ये न्यूज़ पता होगा कि हाइक ऐप नहीं पता होगा क्या पता, लेकिन हाइक ऐप फिलहाल कंपनी खुद बंद कर दिया। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्त का शेयर कर देना। यहीं पे ऐसा वीडियो को एंड करता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।